अमेरिका के कैलिफोर्निया पर छाए हैं संकट के काले बादल। पिछले दो हफ्ते से तूफान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कैलिफोर्निया में तूफानों ने मचा रखा है हाहाकार। सड़कें नदियों में तब्दील हो गए तो कहीं हाईवे पर लैंडस्लाइड होने से लोगों को गाड़ियां चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए चेतावनी जारी कर दी है। लॉस एंजल्स शहर में तो हालात इतने खराब हैं कि वहां एक सड़क टूटने से गाड़ियां गड्ढों में जा गिरी हैं। 26 दिसंबर को अब तक कैलिफोर्निया शहर में तूफान 6 बार दस्तक दे चुका है, जिनमें 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दिया, जिसके साथ ही कैलिफोर्निया की 90% आबादी पर यानी 3,40,00,000 लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार आंधी तूफान की वजह से 2,20,000 से ज्यादा घरों और दुकानों में बिजली भी गुल है। 35,000 लोगों को घर खाली करने का ऑर्डर दिया जा चुका है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 10 दिन में 4 और तूफान आने की आशंका बताई जा रही है। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कैलिफोर्निया के हालात देखते हुए राज्य में इमरजेंसी लगा दी है और वहां मौजूद लोगों के लिए जल्द से जल्द डिजास्टर रिलीफ की व्यवस्था की जा रही है।